वेलकम टू लेक्चर O13 यूनिट स्टेप फंक्शन. सो वी विल डिफाइन दिस यूनिट स्टेप फंक्शन एज यू ऑफ टी. ठीक है, हमेशा इसको यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं टाइम डोमेन. सो इट्स की वैल्यू क्या है? टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो. इसको आप बेसिकली लगभग काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा ये सिग्नल, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. सो आपको कुछ इस फॉर्म में होता है, यहां से लेके और यहां इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू वन होती है. ये जीरो है, ये इन्फिनिटी है, अब आपको पता है. और टी ये टाइम एक्सेस है एंड ये आपका फंक्शन यू टी है. सो टी से ज़्यादा, टी से टी ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से ज़्यादा अगर टी आपका तो उसकी वैल्यू वन है. ओके, जीरो से वन कम है तो उसकी वैल्यू जीरो है. तो ये हमेशा याद रखना है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये एग्जिस्ट करता है और पूरा हमेशा इसकी वैल्यू वन होती है ऑल टाइम इन्फिनिटी तक. बट अगर केस आपका टी इक्वल टू जीरो पे आया, टी इक्वल टू जीरो पे आया तो यहाँ स्पेसिफिक केस आपका लग जाता है. अगर टी इक्वल टू इसके इधर आपको पता है इसके इधर, तो आप क्या करोगे? कभी भी आपको किसी ये एक तरीके की क्या डिसकंटिन्यूटी है, बिकॉज एट जीरो पॉजिटिव इट इज़ वन एंड एट जीरो नेगेटिव इट इज़ जीरो. तो जहाँ पे इंस्टेंटली वैल्यू चेंज करती है फंक्शन की, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है. हमें से याद रखेंगे एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? जीरो प्लस प्लस जीरो माइनस की वैल्यू का हाफ. आपको एट जीरो पे अगर निकालना है, एट टी इजकल टू जीरो पे आपको वैल्यू निकालनी है, एट टी इजकल टू जीरो, सो आपको वन प्लस जीरो बाई टू इज वन बाई टू. तो ये यहाँ से आया है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा कि टी इजकल टू जीरो पे वन बाई टू होता है और क्यों होता है. पहली चीज़ आपको मैंने फंक्शन बना के दिखा दिया और लाप्लास उसको थ्योरम बोल लेते हैं. बहुत ही सिंपल है, लाप्लास ऑफ यू टी आपका होता है वन बाई एस, जो डिनोट करता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस इज यू टी. बेसिक चीज. अब ये कहाँ से आया, वो भी बहुत सिंपल है. आपका असल में ये फंक्शन है क्या? दिस फंक्शन इज सिंपली वन, क्योंकि हम लाप्लास किसकी बात कर रहे हैं, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, यूएलटी, जिसकी लिमिट जीरो से इन्फिनाइट होती है. तो जीरो से इन्फिनाइट अगर देखें, मतलब जीरो से टी ग्रेटर देन जीरो, तो आपका हमेशा लाप्लास की वैल्यू होगी वन एंड ई रेस टू माइनस एस टी एंड डी टी. अब इस फंक्शन की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू आप पहले सॉल्व कर चुके हो, जो कि होती है वन बाई एस. तो इसीलिए क्योंकि लाप्लास आपका यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है जीरो से इन्फिनिटी तक, एंड आपका यू ऑफ टी भी एग्जिस्ट करता है जीरो से इन्फिनिटी तक, जो हमेशा वन होता है. तो हमने जो वन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखा था वो अप्लाई होता है वन यू टी पे भी. तो ये बात. अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अपने. We will make shifted Laplace transform. Sorry, unit step function. बात करें unit step function की. Shifted unit step function. अब दो तरीके से shifting हो सकती है. So we will shift this. Wait a second. Okay. Shifting इसकी दो तरीके से हो सकती है. हमको u of t minus a बनाना है या u of t plus a बनाना है. This is zero. This is zero. So हमेशा याद रखेंगे t minus a या जो भी ब्रैकेट के अंदर है इक्वल टू जीरो करके आप t की वैल्यू निकाल लो. a या आया प्लस a. This will come t is equal to minus a. तो आपका जो भी वैल्यू आई आप वहां से फंक्शन को ड्रॉ कर दो. आप प्लस ए से ड्रॉ कर दो या माइनस ए से ड्रॉ कर दो. अब आप प्लस ए से ड्रॉ करेंगे तो आपका फंक्शन लाइक दिस, दिस फंक्शन इज लाइक दिस. ये जो आपकी वैल्यू होगी, ये आपकी वैल्यू होगी वन. या आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज
राइट शिफ्टिंग, तो नेगेटिव है तो आपका राइट शिफ्टिंग करनी है, एंड अगर पॉजिटिव है ए तो आपको दिस इज लेफ्ट शिफ्टिंग, आपको लेफ्ट में शिफ्टिंग करनी है। सो इसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन अगर लिखना चाहें, सो जो टी ग्रेटर देन जीरो था वो आपका टी ग्रेटर देन ए हो गया। तो ग्रेटर देन ए के लिए आपका ये है, ए से कम पे आपका पूरा सिग्नल ये है, एंड एट टी इज इक्वल टू ए वो मैंने आपको बता दिया है। ए हो जीरो कुछ भी हो, जहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पे दोनों वैल्यू को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो ये तो आपका आया लाप्लास की वैल्यू। अब इफ वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ, सॉरी ये आप यूटी की वैल्यू, लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए फंक्शन की वैल्यू है ये। सो इट विल बी ई रेस टू माइनस एस बाई एस। ओके, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एस बाई एस इज यू ऑफ टी माइनस ए। यहां से हम रिलेट कर सकते हैं। सो ये आपने देख लिया कि यू टी माइनस ए फंक्शन आपका 1 0 1/2 है इन इन वैल्यूज पे, एंड यू ऑफ टी माइनस ए का लाप्लास आपका ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस, ठीक है, 1/s में आपने जस्ट ये मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड इसी का इन्वर्स आपका यू ऑफ टी माइनस ए। अब इसको रिलेट करें फंक्शन यू टी प्लस ए से, तो टी ग्रेटर देन ए माइनस ए, मतलब माइनस ए से बड़ी वैल्यू आपकी हमेशा 1 है, माइनस ए से छोटी वैल्यू आपकी 0, एट माइनस ए वो आपने देखा इन दोनों को ऐड करके हाफ करके आपका 1/2। सो लाप्लास अगर इसका निकालना चाहते हैं यू ऑफ टी प्लस ए, तो जस्ट वही है जो हमने पहले सीखा, शिफ्टिंग करी अपोजिट है तो आप ई की पावर प्लस ए एस अपॉन एस कर देंगे, और इन्वर्स निकालेंगे तो ई रेस टू प्लस ए एस अपॉन एस इक्वल टू यू ऑफ टी प्लस ए। ऐसे हमने ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन के केस को किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहेंगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। सो वी हैव यू ऑफ टी माइनस ए इज 1 एंड 0 टी ग्रेटर देन ए एंड टी लेस देन ए। इफ वी हैव एनी फंक्शन एक्स टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, अगर एक्स टी यू टी का आपका फंक्शन है उसमें आपने शिफ्टिंग करी, सो इट विल बी लाइक दिस, एक्स ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए और 0, बिकॉज टी लेस देन ए पे तो आपका ये फंक्शन, दिस फंक्शन आपका 0 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, एंड टी ग्रेटर देन ए पे ये 1 है तो फिर ये तो पूरा आपका हो गया 1, तो सिर्फ आपका यही फंक्शन बचेगा ऐसे। अब इसी से हमने कंक्लूजन निकाला, तो हम लाप्लास निकालते हैं एक्स टी माइनस ए का इंटू यू टी माइनस ए, सो ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एक्स एस, या फिर कह सकते हैं ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। सो बेसिक जो आपका यू में स्केलिंग है और एक्स टी में भी स्केलिंग है, आपको सिर्फ ई रेस टू माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करना है, और ओनली एक्स टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एंड इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 है, सो वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ एक्स टी यू टी सिंपल एक्सेस, क्योंकि यू टी, और हमने देखा कि यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हम लिमिट लेते हैं 0 टू इन्फिनाइट, और 0 से इन्फिनाइट में यू टी होता है 1, और आप किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करो, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ आपको लाप्लास एक्स टी का निकालना है, वो आपने निकाल ही लिया लाप्लास ऑफ एक्स टी ओनली। ये थ्योरम हो गई, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये, और यहीं से निकला लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए एस एक्सेस इज क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, वेयर एक्स टी इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्सेस। सो ये दोनों थ्योरम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिस थ्योरम एंड ऑल्सो दिस इनवर्स थ्योरम।
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।